हम खड़े हैं मोहद्दीनपुर स्थित चौरा शूटिंग एकेडमी में, जहां पर शूटरों का अभ्यास जारी है। नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज जल्दी होने जा रहा है, जो कि जयपुर में 23 मार्च से होने जा रही है। 6 अप्रैल तक यह टूर्नामेंट चलेगा। इसके लिए शूटरों को अभ्यास दिया जा रहा है। शौर्य शूटिंग एकेडमी के कोच सत्येंद्र राणा से बातचीत करते हैं कि किस तरह से यहाँ शूटरों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर शूटरों का अभ्यास दिया जा रहा है। शौर्य शूटिंग एकेडमी आधुनिक तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, इनकी एक अच्छी तैयारी चल रही, और जैसे शौर्य शूटिंग एकेडमी 4 महीने से रनिंग हुई, सभी स्टूडेंट मेरे पास नए हैं, और नए होने के बावजूद भी 20 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। 43 यूपी स्टेट चैंपियनशिप, जिसमें 18 स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए। एक छोटा बच्चा है आदित्य कुमार, इसने बड़ा अच्छा स्कोरिंग किया। इसने 577 स्कोर करके अच्छा किया, और लगता है कि आने वाले टाइम में देश के लिए कुछ कर पाएगा। नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप का जल्द ही आगाज होने जा रहा है। आपके यहाँ से कितने खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, इस बारे में? मेरे 20 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 18 भी 20 ने पार्टिसिपेट किया था, 18 ने क्वालिफाई किया, 2 पहले क्वालिफाई हैं। आप भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और आपने भी शूटिंग की है, तो अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मैंने तो 98 में शूटिंग स्टार्ट की, बाद में 98 से नेशनल खेला, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भी मेडल रहा। 2003 में आर्मी ज्वाइन की, इंडियन आर्मी में भी रहते हुए मुझे काफ़ी लगाव रहा शूटिंग से, और 2020 में 30 अप्रैल को मैं रिटायरमेंट होने के बाद शौर्य शूटिंग एकेडमी की नींव रखी। अभी इन बच्चों को अच्छा खासा अभ्यास दे रहे हैं। बाहर के वेपन है, इक्विपमेंट अच्छे हैं हमारे पास, स्विच मशीन लगवा रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार शूटरों का अभ्यास जारी है। नॉर्थ जोन चैम्पियनशिप के लिए लगातार मेहनत में खिलाड़ी जुटे हैं। आमतौर पर शूटरों को आधुनिक प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली की करणी सिंह रेंज में जाना पड़ता था, लेकिन शौर्य शूटिंग एकेडमी में आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग एकेडमी यह है, जहां पर लगातार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बात करते हैं आगे खिलाड़ी से। आपका नाम क्या? गुनगुन राठी। गुनगुन, आप कहां से हैं? मैं यहीं पे सैदपुर, एक गांव है, यहां से हूं। तो कैसा अभ्यास आपका चल रहा है, आगे किस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रही हैं? अभी फिलहाल में मैंने स्टेट क्वालिफाई किया है, अब मेरी नॉर्थ जोन की प्रैक्टिस चल रही है। अब मैच है मेरा 23 के बाद, मेरा मैच है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में हिस्सा लेने जा रही हैं आप? हाँ जी। नॉर्थ जोन के लिए यहाँ खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे खिलाड़ी भी यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। छोटी सी उम्र से ही शूटरों को तैयार किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? आदित्य चौधरी। आदित्य, कहाँ से हैं आप? मोहद्दीनपुर से। मोहद्दीनपुर से। कब से आप यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं? 7 मंथ। 7 मंथ। छोटे छोटे खिलाड़ियों को भी यहाँ तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर आधुनिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, आप कहाँ से हैं? आदित्य मोहद्दीनपुर से। मोहद्दीनपुर से ही है। किसकी तैयारी आप आगे के लिए कर? नॉर्थ जोन की। नॉर्थ जोन की तैयारी आदित्य कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर आधुनिक प्रशिक्षण किस तरह से दिया जा रहा है। आइए, स्विच मशीन से भी यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित, कहाँ से हैं आप? बड़ौद से। उनसे तो यहाँ पर किसकी आप आगे किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं सर। जी सर। अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए। सर, मैं तो अभी प्रैक्टिस अभी चालू की है मैंने। हाँ, 6 महीने हो गए मैं फिर सर के पास ही। ये है स्विच मशीन, इसके बारे में आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं स्विच मशीन से ही दी जाती हैं, जो कि मेरठ में फिलहाल नहीं दी जा रही थी, लेकिन शौर्य एकेडमी में इस मशीन से खिलाड़ियों को अभ्यास किया जा रहा है। कंप्यूटराइज्ड मशीन है ये। आगे किस कॉम्पिटिशन के लिए आप तैयारी कर रही हैं? ट्रायल दूंगे इंडिया टीम का, तीसरा, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। वैसे ओलंपिक की भी तैयारी कर रही हूँ। नेशनल के लिए भी आपने क्वालिफाई किया, इंडिया टीम के लिए ट्रायल के लिए आप तैयारी कर रही हैं। फिलहाल कितने ट्रायल आप दे चुकी हैं? 2। बता दें कि इंडिया ट्रायल कुल 6 होते हैं, जिसके लिए जिसमें 2 ट्रायल निकिता दे चुकी हैं। तो बाकी के 3 ट्रायल आपके कब होने हैं, कुछ इस बारे में? अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इस बारे में। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से इंडिया ट्रायल रुक गए थे। 2 ट्रायल हो चुके हैं, जिसमें से अभी कुछ ट्रायल बाकी हैं। निकिता, अपने मेडल्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने प्रशिक्षण आपका जारी है?
मैंने 2017 में नेशनल खेला था, ओनली 2-3 महीने की प्रैक्टिस से, और 2018 में केरल खेला और 2019 में भोपाल खेला है, और अब मोहद्दीनपुर में यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ रही हूँ स्विस मशीन पे। अब दिल्ली जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कॉमनवेल्थ की भी और इंडिया टीम के ट्रायल की, थर्ड ट्रायल की भी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मेरठ में पहले स्विस मशीन से अभ्यास नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर स्विस मशीन से अभ्यास दिया जा रहा है। इसके लिए पहले शूटरों को दिल्ली तक जाना पड़ता था, लेकिन अब यहीं पर यह उपलब्ध है। वहीं देखते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अभ्यास कर रहे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम चिराग चौधरी है। चिराग, कितने समय से आप यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं? जी 7 to 8 months। 7 से 8 महीने से चिराग यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी राइफल के साथ यहाँ अभ्यास कर रहा है। आपका क्या नाम है? जैन सर, पहले तो सर मेरा नाम अजय ठाकुर है, मैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आप यहाँ प्रशिक्षण करने आते हैं? अजय, आप किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अगला किस कॉम्पिटिशन में आप हिस्सा लेना? मैं 2019 का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ वैसे तो, अब इंडिया टीम की ट्रायल की तैयारी कर रहा हूँ। 2021 का नेशनल खेलूंगा दोबारा, मैं प्रैक्टिस के लिए हूँ सर। आर्मी में जाना चाहता हूँ वैसे तो मैं। अच्छा, आर्मी में जाने का आपका सपना है? आर्मी में जाना है वैसे तो मुझे। अच्छा, आर्मी से खेलना चाहता हूँ। आर्मी से आ गए। हाँ, तो शूटिंग में आप कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं? सर मैं 2019 में आया था, फिर एक साल किया है, लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिस छूट गई थी सर। स्विच मशीन है यहाँ पर सर, हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर, तो इनकी वजह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे 2-3 महीने से प्रैक्टिस पर दोबारा आया हूँ सर, प्रैक्टिस छूट गई थी लॉकडाउन की वजह से। नेशनल खिलाड़ी यहाँ लगातार अभ्यास में जुटे हैं, आगे आने वाली प्रतियोगिता के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष सांगवान के साथ सागर कश्यप, जनवानी न्यूज़, मेरठ।